हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑल अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी द वी कैन डिस्कस अबाउट द लीवर एंड इट्स लोकेशन एंड इट्स शेप स्ट्रक्चर्स एंड इन द सेकंड वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लीवर। यहाँ पर मैंने 8 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखे हैं। इसके अलावा लगभग 100 to 500 ऐसे वाइटल्स फंक्शंस हैं जो लीवर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग 8 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको जानना ही जानना चाहिए। तो फर्स्ट है एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। सबसे पहला काम लीवर का है एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन का, और मैंने बताया था एल्ब्यूमिन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज़ मेनली प्रेजेंट इन डिफरेंट एग्स ऑफ द एनिमल। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लूड को मेंटेन करती है। दिस एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स कीप्स द फ्लूड इन द ब्लड स्ट्रीम्स फ्रॉम द लीकिंग ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज़। और ये फ्लूड अगल बगल के या आसपास के टिश्यूज से लीक न करें, इस वजह से उस ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लूड को मेंटेन करती है। तो पहला फंक्शन हो गया एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन का। एक और इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एल्ब्यूमिन आल्सो कैरीज मेनी हार्मोन्स विटामिन्स एंजाइम्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस। तो आपने देखा कि एल्ब्यूमिन का कितना इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि एल्ब्यूमिन is a kind of protein that keeps the fluid in blood streams from the leaking of the surrounding tissues. Other than this, it also contains several hormones, vitamins, enzymes and other useful substances. तो ये हो गया albumin production जो कि liver के द्वारा perform किए जाने वाला function है। सेकेंड फंक्शन है लीवर का बाइल प्रोडक्शन। आपने डाइजेशन के केस में देखा कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल इज वेरी इसेंशियल इन द केस ऑफ डाइजेशन एंड इट इज आल्सो अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द लीवर इनटू बाइली रूबिन एंड बाइली बर्डिन विच इज एलोइस इन नेचर, एलोइस इन कलर एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द डाइजेशन। तो आपने देखा कि बाइल जो है वो बाइल कैसे फैट्स और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करती है और ये एब्जॉर्ब तभी जाके हो पाते हैं, क्योंकि फैट्स और ग्लिसरॉल जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं। तो इनको ब्रेक करने का काम, जिसके वजह से और दूसरे एंजाइम्स उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें, उसको ब्रेक कर सकें, तो ये काम बाइल का है। तो और बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपने देखा कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल इज टेक्स प्लेस बाय द लीवर विच इज ईजी टू ब्रेक द ब्रेक एंड डाइजेशन ऑफ द फैट्स इनटू लिपिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये हो गया सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है फिल्टर्स ब्लड। लीवर आल्सो फिल्टर्स द ब्लड विच इज लीविंग फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो टिश्यूज स्टमक और जो ब्लड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से होता हुआ लीवर के आसपास से गुजरता है, उनमें उन ब्लड को ये लीवर भी फिल्टर करता है और ढेर सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव कर देता है उस ब्लड से। तो फिल्टर ब्लड, ये तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुआ। चौथा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेगुलेट्स अमीनो एसिड्स। आपको मैंने वहाँ पर डाइजेशन में क्लासेस में बताया भी है कि जो अमीनो एसिड्स हैं, मतलब जो प्रोटीन्स होती हैं वो फाइनली ब्रेक होती हैं तो वो अमीनो एसिड्स में बदल जाती हैं। और मैंने बताया था कि अमीनो एसिड्स 2 टाइप्स की होती हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स दैट इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी फ्रॉम द एक्स्ट्रा, या आप कह सकते हैं बाहर से।
जो फूड और दूसरे सब्सटेंसेस से हमें मिलती हैं, और बॉडी हमें हमें उन अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसलिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इसेंशियल। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर पाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुलेट्स अमीनो एसिड्स, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इज डिपेंड ऑन दी अमीनो एसिड्स। क्योंकि अगर अमीनो एसिड्स बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगी तो प्रोटीन्स बनेंगी कैसे? मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स की जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होकर बनाती हैं प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स चेन द्वारा जुड़ती हुई चली जाती हैं और नई नई प्रोटीन्स बनती चली जाती हैं हमारी बॉडी में। ओके, तो दिस इज डिपेंड, दिस रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेट्स ब्लड क्लॉटिंग। आप जानते हैं कि ब्लड में विटामिन के पाया जाता है, और दिस विटामिन के इज़ वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विच इज़ आल्सो नोन एज कोएगुलेशन। तो ब्लड में विटामिन के का प्रोडक्शन अगर हमारे नहीं रहेगा, मतलब उसका लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, तो ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जो कोएगुलेट करने में, जो ब्लड को क्लॉट करने में एजेंट होते हैं, जैसे फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है, ये कोएगुलेंट्स कहलाते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ कोएगुलेंट्स इज डिपेंड ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के, एंड विटामिन के इज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूड सब्सटेंस दैट इज बाइल। तो अगर बाइल प्रोड्यूस ना होगी तो विटामिन के और कोएगुलेंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेसेस अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट है रेजिस्ट इन्फेक्शंस। रेजिस्ट इन्फेक्शन मतलब टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम गेटिंग डिजीज। तो लीवर आल्सो परफॉर्म्स द रेजिस्टेंस टू फिल्टर या बाई फिल्टरिंग द बैक्टीरिया, बाई प्रोटेक्टिंग, बाई रिमूविंग द बैक्टीरिया इन आवर फ्रॉम आवर ब्लड स्ट्रीम्स। इट आल्सो परफॉर्म्स रेसिस्ट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन न फैले, इस वजह से ब्लड स्ट्रीम्स में मौजूद बैक्टीरिया को ये फिल्टर करके, ये रिमूव करके हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। तो ये हो गया रेसिस्ट इन्फेक्शन। और स्टोर्स, अगला फंक्शन है स्टोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। यू नो दैट स्टोरेज ऑफ सेवरल अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बिकॉज वेन देयर इज लेस एनर्जी द यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेज कैन बी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। सो इन दिस वे आवर बॉडी, आवर मतलब लीवर, स्टोर सेवरल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के एंड B12। यू नो दैट विटामिन्स आर कैटेगराइज्ड इन टू मेन कैटेगरीज, दैट इज सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स या फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में दो ही हैं, बी और सी। बाकी बची हुई विटामिन्स जो होती हैं वो फैट सॉल्युबल होती हैं, ए, डी, ई और के। और इनके अलावा B12 की जो स्टोरेज होती है वो हमारे लीवर के द्वारा ही होती है, और ढेर सारे मिनरल्स भी स्टोर होते हैं हमारे लीवर में। तो आप देख रहे हैं कि ढेर सारी विटामिन्स भी स्टोर किए जाते हैं हमारे लीवर के द्वारा, और ये विटामिन्स डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ में हेल्पफुल होती हैं। अगर ये विटामिन्स की कमी हो जाती है तो विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस पाई जाती हैं। सो अगर ये स्टोर रहेगा तो फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो लीवर के द्वारा यूजफुल सब्सटेंसेस बना लिए जाएंगे और विटामिन्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। और नेक्स्ट है, यहाँ पर लास्ट फंक्शन है यहाँ पर, प्रोसेसेस ग्लूकोज। लीवर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ग्लूकोज बाई रिमूविंग द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्लूकोज फ्रॉम आवर ब्लड स्ट्रीम्स। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारे ब्लड स्ट्रीम्स से फिल्टर करके, रिमूव करके, जो लेवल है मेंटेन करने का, वो ग्लूकोज को
वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लूकोज इज़ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाई लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो आप देख रहे हैं कि एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन, बाइल प्रोडक्शन, फिल्टरिंग ब्लड, रेगुलेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रेजिस्ट इन्फेक्शंस, स्टोर्स विटामिंस एंड मिनरल्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ ग्लूकोज, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लीवर। तो आप ये देख सकते हैं कि इतना तो मैंने लिख दिया है, इनके अलावा इन एडिशन टू दीज फंक्शंस लीवर आल्सो परफॉर्म्स वाइटल फंक्शंस विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में भी आ गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा और लीवर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके लिए ज़रूरी थी मैंने आपको दे दिया है। पहला वीडियो इसके लोकेशन पर है, इसके शेप पर है, उसके कलर पर है, उसके पोजीशन पर है और दूसरा वीडियो फंक्शंस ऑफ द लीवर मैंने एक्सप्लेनेशन लिख कर इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और इस तरह से जितना मैंने आपको बता दिया, अगर ये वीडियो एक से दो बार आप देख लिए तो आप अपने ओन वर्ड्स में इसके शब्दों को लिख सकेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाएँ। कोचिंग बंद होने के कारण मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक पहुँच जाए क्योंकि फिर कोचिंग कब खुलेगी और फिर आपको लेट होगा, तो इससे आपका काम भी हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस वीडियो इज़ अपलोडेड टूडे और टुमारो। ओके, देन वेट एंड वॉच।